नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गोयल, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड बॉडी पॉस्चर स्पेशलिस्ट। क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को कभी मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत हुई है? ये मांसपेशियों में ऐंठन एक्चुअली है क्या? मांसपेशियों में ऐंठन यानी जिसको मसल क्रैम्प्स बोलते हैं या फिर कुछ लोग अपनी भाषा में इसको बाइटे आना भी बोलते हैं, ये एक्चुअली में होता क्या है? मसल क्रैम्प्स एक ऐसी समस्या है जिसके अंदर आपकी मसल्स के जो फाइबर हैं यानी जो मांसपेशियों के जो धागे हैं वो आपस में सिकुड़ने लगते हैं। ऐसा होता क्यों है? जब भी आप कोई हैवी वर्क करते हैं जिसके लिए आपकी मसल्स जो हैं, मांसपेशियां जो हैं, वो पर्याप्त नहीं है या फिर उसके लिए काबिल ही नहीं है, जब भी आप उन पर कोई हैवी लोड डालते हैं तो वो मसल क्रैम्प्स के लिए प्रोन होती हैं, यानी वहाँ पर चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं मसल क्रैम्प आने के। अगर आपको पानी की शिकायत ज़्यादा रहती है यानी आपकी जो वाटर इनटेक है वो बहुत ही कम है, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर भी मसल्स के अंदर डिहाइड्रेशन की कमी से मसल क्रैम्प्स आने के चांसेस रहते हैं। और तीसरा, यदि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई की कमी है तो उसकी वजह से भी मसल्स क्रैम्प्स आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। जनरली देखा गया है कि मसल क्रैम्प्स लोगों को सोते समय ज़्यादा आते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मसल्स आपकी रेस्टिंग पोजीशन में होती हैं, वो अपनी एक शेप ले लेती हैं, और जब भी आप उनमें अपना जब भी पोस्चर चेंज करते हो या पोजीशन चेंज करते हो तो वहाँ पर मसल्स के ऊपर जैसे ही लोड पड़ता है वो क्रैम्प्स में आ जाती हैं। और इन क्रैम्प्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके काफ मसल्स के अंदर यानी आपकी पिंडलियों के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम चलते हैं, जब खड़े रहते हैं, तो उनके ऊपर एक पर्याप्त लोड पड़ता है, और यही लोड जब आप रात को सोते हैं तो वहाँ पर चेंज हो जाता है। इसी लोड चेंज होने की वजह से आपकी पिंडलियों के अंदर बाइटे आने के चांसेस यानी मसल क्रैम्प्स आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे में आपको करना क्या है? यदि आपको मसल्स क्रैम्प्स आने की जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले अपने बॉडी के अंदर वाटर का इनटेक प्रॉपर रखें। 4 से 6 लीटर पानी लगभग पिए ही पिए। अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल इसके लिए आपको फिजिशियन से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, विटामिन ई के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे विटामिन ई के सप्लीमेंट्स हैं। आप किसी भी फिजिशियन की हेल्प से अपने लिए कोई भी विटामिन ई प्रेस्क्राइब करा सकते हैं। और नंबर 3, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। अगर आपको पिंडलियों के अंदर आती हैं तो अपनी पिंडलियों की स्ट्रेचिंग की जरूर एक मेंटेन करके रखें। अगर आपको हाथों की मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं तो उनकी मूवमेंट्स आप बना के रखें, उनके अंदर स्ट्रेचिंग एक फैक्टर जो है उसको मेंटेन करके रखें। अभी के लिए बस इतना ही। एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। अगर आपको कोई ऐसी ही समस्या है जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।